हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जेई मेंस को लेके काफी कुछ क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं आप लोगों के मन में कि कब होगा, कितना सिलेबस डिडक्ट होगा, एग्जाम किस तरीके से होगा। तो उन सारी चीजों का अपडेट कल जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने दिया हुआ था लाइव आके। लेकिन लाइव आने के बाद एक प्रेस रिलीज भी आया है जिसमें कुछ अलग चीजें बताई गई हैं, कुछ नई चीजें बताई गई हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। जेडब्ल्यूई के रिलेटेड, जो बोर्ड एग्जाम होना है 2021 में उसके रिलेटेड, और साथ में नीट की एग्जाम की डेट्स के बारे में भी देखेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। तो सबसे पहली अपडेट जो आती है वो आती है जेई मेन्स 2021 के रिगार्डिंग, और इसमें बोला गया है कि जेई मेन्स को 4 टाइम साल में किया जाए। जेई मेन्स एग्जाम टू बी हेल्ड 4 टाइम्स इन ए ईयर विल बी एग्जामिन पॉजिटिवली। ये एक सजेशन है जिसको पॉजिटिवली ही लेना है। सेकेंडली, कि जो एग्जाम 4 टाइम्स हो उसके बारे में भी बताया गया कि वो फरवरी के एंड में हो, देन मार्च, अप्रैल और मई, एक एक महीने के गैप में इस तरीके से एग्जाम 4 बार हो। कोई भी स्टूडेंट कितनी बार भी एग्जाम में अपियर हो सकता है, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में और मई में वो 4ों बार एग्जाम में अपियर हो सकता है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में फर्क नहीं पड़ेंगे। जेई के सिलेबस को लेके काफी कुछ क्वेरीज बच्चों की लगातार चल रही थी कि सिलेबस कितना रिड्यूस होगा। 30% बोर्ड ने रिड्यूस किया है तो क्या जेई का भी सिलेबस रिड्यूस होगा? तो वो क्लियर कट आ गई है बात कि जेई अपना सिलेबस रिड्यूस नहीं कर रहा है। जो सिलेबस 2020 में था वही सेम सिलेबस 2021 में भी रहेगा। जेई ने सिलेबस रिड्यूस नहीं किया बट कुछ अल्टरनेट दिया जो काफी नया है, काफी यूनिक है और काफी हेल्पफुल भी रहेगा बच्चों के लिए। प्रीवियस ईयर तक क्या होता था, 75 क्वेश्चंस आते थे, हमें सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे। इस बार ऐसा सजेशन दिया गया है कि क्वेश्चन पेपर में 90 क्वेश्चंस हो और उसमें से कोई भी 75 क्वेश्चंस करने हो विद द कंडीशन हर सेक्शन में से 25 हो। दैट इज कि फिजिक्स में 30 क्वेश्चन रखे जाएं और बच्चों को बोला जाए कोई भी 25 क्वेश्चन करो। केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चंस रखे जाएं, बच्चों को बोला जाए कोई भी 25 क्वेश्चन करो। मैथ्स में 30 क्वेश्चंस रखे जाएं और बच्चों को बोला जाए कोई भी 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। तो इनडायरेक्टली सिलेबस रिड्यूस नहीं करके हमें ऑप्शन दे दिए। तो अगर हमारा कोई टॉपिक या कोई चैप्टर नहीं प्रिपेयर है या हम नहीं पढ़ पाए हैं ड्यू टू दिस पेंडेमिक, तो हम वो क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। ये एक रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया। ये जितनी भी बातें बता रहा हूँ उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से सारी इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट वर्कआउट करते हैं नीट एग्जाम के लिए। तो नीट एग्जाम के लिए बताया गया कि अभी भी उसकी कोई डेट फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन उसका जो सिलेबस है वो लास्ट ईयर जितना ही रहेगा। अब हो सकता है कि जेई के बेसिस पर वो नीट में भी ऑप्शनल डालें। सपोज करते हैं 45 क्वेश्चन फिजिक्स में होते थे तो इट मे बी कि 55 क्वेश्चन दे और उसमें से 45 हमें करने को बोले। सो दिस मे बी, बट अभी उसकी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है। लेकिन एक बड़ी न्यूज आई है कि नीट का एग्जाम ऑनलाइन मोड में भी इस बार कराने की गुंजाइश बन रही है। तो नीट का एग्जाम जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं तो इसमें भी काफी कुछ नए अपडेट्स आए हैं। लेकिन चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसको सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। सीबीएसई ने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है प्रैक्टिकल एग्जाम्स की डेट्स को लेके, इस पे वर्कआउट चल रहा है। इन केस स्टूडेंट आर नॉट एबल टू डू द प्रैक्टिकल इन क्लासेस बिफोर द एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जाम से पहले अगर वो प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं स्कूल में जाके, तो अल्टरनेटिव ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं कहां से आपके लिए लेके आ रहा हूं वो चीज भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। मैं आपको उस वेबसाइट पे लेके चलूंगा और वहां पे मैं सारी चीजें दिखाऊंगा। तो इस तरीके की सारी चीजें यहाँ पे चैनल पे मिलते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। तो ये एक वेबसाइट है pibgov.in, प्रेस इंडिया ब्यूरो का है, और इसमें सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो भी कोई भी मिनिस्टर ऑनलाइन आता है या उसका कोई भी चीज होता है तो यहाँ पे उसको अपडेट किया जाता है। तो मैं यहाँ पे जो काम की चीजें वो आपको बताऊंगा कि श्री पोखरियाल सेड दैट सजेशन ऑफ जेई मेंस टू बी हेल्ड 4 टाइम्स इन ईयर विल बी एग्जामिन पॉजिटिवली बिगनिंग इन द एंड ऑफ द फरवरी, देयर आफ्टर इन मार्च, अप्रैल एंड मई 21।
फॉर 3 to 4 days, ऑनलाइन एग्जाम होगा तो 3 से 4 दिन में एक सेशन कंप्लीट करना रहेगा। ही फर्दर सेड कि सिलेबस सेम रहेगा बट स्टूडेंट विल बी गिवन चॉइसेस टू आंसर 75 क्वेश्चन आउट ऑफ 90 क्वेश्चन। जैसा मैंने अभी बताया कि 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 30 क्वेश्चन मैथ्स में से कोई भी 25 क्वेश्चन फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 मैथ्स में हमें करने रहेंगे। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करिए, हर एक कमेंट का आपको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।